कबीर कहने मैनू परवाह नहीं, मन माने लोग ना भतीजे ना भतीजे तो क्या कीजे। मैं एक दफा सज्जन मिलया, एक उसने अमृत छकया होया सी, ते जब दोबारे मिलया ते किरपान लाई हुई। मैं के की गल हो गई, श्री साहब दिखाई नहीं पैंदी? कहंदे जी बस शर्म आउण लग पई, लोकी ज्ञानी ज्ञानी आखण लग पए। मैं क्यों, इहदा मतलब तू ज्ञानवान अखवा के खुश नहीं है, तू शराबी शराबी अखवा के खुश है, तू अमली अमली अखवा के खुश है, चोर चोर अखवा के खुश है। कहंदे नहीं, बस शर्म आउंदी है किरपान पाउण, शर्म आउंदी है दस्तार सजाउण विच। महाराज कहंदे ये लोक लाज नूं पासे रख, लोकी की कहणगे, गुरद्वारे जाण लग पिया, जीवन तो हार मन गया है, ये निम्रता विच आ गया है, इस लोक लाज की परवाह नहीं करनी। मन मन है लोग ना भतीजे, नहीं मनते लोग। कबीर कहंदे फिर ना भतीजे तो क्या कीजे, इन्हां दी परवाह करन दी लोड़ नहीं है। कोई भला कहो भावें बुरा कहो, हम तन दियो है ढाल। ये रहाओ वालियां पंक्तियां ने अपना मन तन गुरु दे अगे रख देना। भाई तीर्था मंजकी दा रहन वाला जद साहब दे चरणा च आया ते सिखी दी मंग कीती, महाराज कहन लगे भाई मंज तीर्था सिखी ते सिखी नहीं ठहरदी, पहला तू होर किसे दा सिख बनिया होया है, जा पहले उसनू कढ दे। पिंड दा चौधरी सी, प्रमुख सी, सरवरीए दी कबर ढाण लगा, लोकी मेहने देण लग पए बे पीढ़ियां तो खानदाना तो सरवरीए दा चेला रहा है, ते अज गुरु दा चेला बनदा फिरदा पे, मेहने दिते। पर भाई मंज ने परवाह नहीं कीती, आख्या हुण तां इह मंज गुरु दा हो गया, हुण किसे होर दी थां मन विच नहीं रही, किसी मजहब का किसी धर्म का किसी मनुख का। सिख ने अपमान नहीं करना, सारिया का सन्मान करना है। जिमें सुहागवंती स्त्री देवर का जेस का सस का सहरे का सारे रिश्तिया का दर्जा बदर्जा सन्मान कायम रखती है, पर अपने हिरदे की प्रीत अपने पति नाल जोड़ती, दूजे नाल नहीं जोड़ती। जे दूजे नाल जोड़े तो सुहागण नहीं अखवांदी, दुहागण अखवांदी। इसे तरह सन्मान सब दा ही करना है, पर अपने हिरदे दी प्रीत श्री गुरु ग्रंथ साहिब नाल ही जोड़नी है। एक दफा आखो धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, एक दफा फिर आखो जी धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सिख ने उन्हां नाल प्रीत नहीं जोड़नी जेड़े आप ही गुरु बने बैठे, बई मैं गुरु हाँ मैं परमात्मा हाँ। परमात्मा तो इको ही है, दूजा कोई नहीं, गुरु भी इको ही है। इको बाणी एक गुर, एक शब्द विचार महाराज दे बोल, दस गुरु के जामे ने, गुरु इको ही है। और वो गुरु शब्द गुरु सुरत तुन चेला, गुरु नानक दे दस जामिया ने मनुखता नूं शब्द गुरु दे लड़ लाया, शरीरां नाल नहीं जोड़िया। ते जिहड़ा मनदा फिरे ए एनवा गुरु है एनवा गुरु है, तो कहना पएगा आप ही गुरु बनिया बैठा है, इसने बाकियां नूं गुरु नाल की जोड़ना। इहो जे पाखंडी तुहानूं जगह जगह मिल जाणगे, कोई किसे नाम ते कोई किसे नाम ते, पर सिख दा हिरदा भाई मक्खण शाह वर्गा है, जिसने बाई मंजिया चो पछाण लिया भाई एक भी इन्हां च गुरु नहीं हैगा। पता चल गया नौवें गुरुदेव गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज गुरु हरकृष्ण जी दे जानसी ने, गुरता गद्दी दे मालक ने, ते फिर मत्था जा टेकिया, सब नू आख्या गुरु लद हो रे गुरु लद हो रे। कल नू
गुरु तेग बहादुर साहब जी का मुबारक आगमन दिहाड़ा है, उन्हां दा जन्म अमृतसर साहब च होया। इसे ही अमृत सरोवर दे कंडे उन्हां दा आगमन होया है, ते सिख जगत दी सुप्रीम पावर सुप्रीम ताकत अज दिन दे 12 बजे श्री अकाल तख्त साहब तो नगर कीर्तन प्रारंभ होने। सारे अमृतसर शहर दियां गिरदो नवा दियां संगतां ने इन्हां नगर कीर्तना विच महाराज दियां बरकतां प्राप्त करन वास्ते आउणा। बड़ा वड्डा अज नगर कीर्तन श्री अकाल तख्त साहब तो दिन दे 12 बजे प्रारंभ होना है। जथेदार साहिबान की अगवाई विच ये नगर कीर्तन चलेगा, ते वड्डियां भागां वालियां रूहां इहदे विच शमूलियत प्रदान करनगियां। ये अज नगर कीर्तन प्रारंभ होना। खैर मुक्तसर मैं अर्ज करा, हर सिख नूं भाई मक्खण साहब बनन दी लोड़ है। लोक लाज नूं परां सुट के गुरु चरणां नाल जुड़न दी लोड़ है। ये कोई जुड़िया होया हिरदा साहब ने अलंकार ये वरत्या है, जग्यासु दा ते सुहाकण दा। दसदा पिया सवाल दा जवाब देंदा पिया, सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी, मन तन अरप तज लाज लोकानी। लोक लाज नूं परां सुट अपना हिरदा अपना तन गुरु चरणा विच अर्पण कर दे। आओ मुबारक शब्द दी लड़ीवार अखरी अर्थ विचार सरवण करिए जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सूही महला पंजवा। सूही राग विच गुरु नानक दे पंजवें जामे प्रतख है हर सतगुरु तन तन गुरु अर्जन देव साहिब जी दी मुबारक रसना तो ये बरकतमई बोल प्राप्त होए हन। धन सुहागन जो प्रभु पछाने। धन का मतलब है वड्याई योग है, सलाहुण योग है। जे धन होवे ते धन का अर्थ दुनियावी धन बनता है, पर इत्थे धनता योग शब्द है। नन्ने नूं औंकड़ आया, धन सुहागन जो प्रभु पछाने। ओ जीव रूपी स्त्री, जुड़ी हुई स्त्री, वड्डियां भागां वाली है, उसकी सलाहता करनी चाहीदी है जिसने इस ब्रह्मांड विच परमात्मा नूं पछाण लिया। वैसे होर ते सब संसार दा सिलका ही चढ़िया होया अंदर ते निरंकार। सर्व जोत तेरी पसर रही, जह जह देखा तह नर हरी। तेरे बिना होर कोई दिखाई नहीं पैंदा, है ते सब जगह परमात्मा, पर जिवें बचपन विच भरा विछड़ गए होण ना ते सामने भी पछाणे नहीं जांदे। मां विछड़ गई होवे बच्चे कोलों बचपन विच, ते फिर जवानी विच मां नूं मिले मां पछाणी नहीं जांदी। है ते सामने बैठी पर पछाण नहीं आउंदी। परमात्मा तो असी जन्म वेले विछड़ गए, जन्म तो पहले तक मात गर्भ में आपन सिमरन दे तह तुम राखन हारे। असी जुड़े हुए सानू पछाण सी, हर जियो पिता माता, हर जियो पिता, हर जियो प्रतपालक, हर जी हमरी सार करे हम हर के बालक। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधव, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई, तां पाओ कहा काड़ा जियो। महाराज दे बोल ने, जिन तू साज स्वार सिंगारिया, गर्भ गर्भ अगन में जिने उबारिया। माता दे पेट विच सानू समझ सी, साडा हिरदा जप नाल जुड़िया होया, सिमरन नाल जुड़िया होया सी, पर जन्म होंदिया ही लिव छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर वरताया, फिर अग्ञानता दे हुक्म विच भुल गए। अग्ञानता दी कार करन लग पए, भुल गए
ते हुण पता ही नहीं चल रहा सामने कौन है। मेरे साहब कहंदे ओ वडभागा है जेड़ा पछाण लैंदा है। धन सुहागन जो प्रभु पछाणे परमात्मा नाल जेड़ा जान पछाण डूंगी सांझ पा लैंदा है। माने हुकम तजै अभिमाने फिर वो करदा की है उहदी तर्ज़े जिंदगी की होंदी है वो गुरु का हुक्म मनन लग पैंदा। साडा ते सुभा है भाई मेरा हुक्म मनिया जाए जो मैं आखा वो होवे। मेरे बिना होर किसे दे गल दी कोई वैल्यू ही नहीं है ते असी बड़ी दफा अपने बयान देन लग पैंदे भावें कोई ना सुने कोई अखबार ना छापे कोई रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट ना करे कोई टीवी चैनल ना आवे असी किकर थले खलो के ही आखन लग पैने फलाना बड़ा माड़ा है फलाना बड़ा माड़ा है। भाई दस पुरखा तेरे कोल केड़ा सर्टिफिकेट है कि तू बड़ा चंगा। साडियां धार्मिक संस्थावां ने प्रमुख संस्था है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिख जगत की रीढ़ की हड्डी हर मोर्चे ते हर दुख दे वेले देशों विदेशों विच दसवंध लैण वाले तो बड़े मिल जाणगे पर जद किसे अंबैसी नाल कोई मुकदमा लड़ना होंदा ना ते सारी दुनिया च थानू श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी खड़ी दिखाई पाएगी। इसकी भी असी निंदा करते हैं इस ते भी बयानबाजी करते हैं भावें सुने कोई ना साडा मन होंदा है भाई साडा ही मनिया जाए। महाराज कहंदे ने जेड़ा गुरु नाल जुड़िया सुहागण हिरदा है वो अपना मान छड़ देंदा है वो होमे नहीं करदा वो गुरु का हुक्म मनदा है। साडा ते सुभा है असी भावें जानदे कुछ ना होइए असी श्री अकाल तख्त साहब ते भी तनज करन लग पैने कोई हुक्मनामा जारी होवे उस ते भी तनज करन लग पैने ये साडा अहंकार बोलदा है। महाराज कहंदे सुहागण का सुभा यह है माने हुक्म तजे अभिमान है। जिवें भाई लहणा जी ने गुरु नानक देव जिया का हुक्म मनते जो सतगुरु कहंदे ने उसनों सिर मस्तक ते मन लैंदे कदी ना कीती कोई नहीं। बाबा गुरु नानक देव जिया ने अपने लखते जिगर नूरे चशम फरजंदे अंजुमन बाबा श्री चंद जी नू बुलाया ते कहन लगे श्री चंदा हजारां दी गिनती विच संगतां पईयां आवंदियां हैं असां संगतां की सेवा मिठाई स्यों करनी है। ऐ दरखत पर चढ़ी वंज किकर दे दरखत ते चढ़ हिलाए मिठियाईयां ढह पवन गियां आपां संगतां को सिखा दे भी हैं कि जन्म साखी दे बोल ने। बाबा श्री चंद हसे ते आखण लगे वै बापू तुसा सत्रे बत्रे गए हो ए कदे ना ए होया कदी किकरां ते मिठियाईयां ना ए चढ़ी। बाबा जे अंब तो आखे अंब चढ़दे ने चल मिठाई भी आखे तो कोई मन लवे पर किकर तो ते कंडे ही चढ़ सकते ने मिठाई नहीं चढ़ सकते। ये तो गुरु नानक का कौतक है गुरु चाहे तो कर सकता सारी खेड बना सकता है सतगुर मेरा मार जीवाले पर भाई लहणा जी ने महाराज की आग्या मान ली। सतगुरु जी ने दोहां सपुत्रां तो बाद आख्या लैणिया भाई लैणा छाला मार दे किकर ते चढ़ गए किकर नूं हिलाया ते मिठाइयां किरियां ते उह संगतां नूं छकाईयां। मैं अर्ज ये करना चाहता कई लोग इस ते तनज करदे ने कहंदे ने बई किकर नालों मिठाई किवें चढ़ सकदी है जे रेठा मिठा हो सकदा है जे पत्थर विच बाबे दा पंजा लग सकदा है तां किकर चो मिठाई भी टह सकदी कोई वड्डी गल नहीं। गुरु सब कुछ करदा है। ऐ श्री हरिमंदर साहब विखे अनेकां मनुख आए ने जिन्हां दीआं अखां नहीं अंधे होए सन आए सन कैंसर दे मरीज बन के आए सन
पर जदों टुब्बा ला के वापस गए फिर नेत्रां वाले होके गए। फिर तंदुरुस्तियां ला के गए ने। गुरु ते भरोसा करना आंदा, हुक्म मनना आंदा, अपने अभिमान च नहीं रहना आंदा, ये सुहागण दी पछाण है। प्रिय स्यों राती रलिया माने, ये पैरी रारा है, स्वर रूप विच स्यारी दा उचारण रारे नाल होंदा है, ते ऐड़ा अगे उसदा लमका है, प्रे शब्द है, प्रे बड़ा प्यारा शब्द, ऐसा हिरदा अपने प्रीतम नाल रत्या रहिंदा है, जुड़िया रहिंदा है। बड़े महाबोल ने सतगुरु जी दे, प्रेसों राती रलियां माने, आत्मक आनंद दा अनुभव कर दी है ऐसी जीव आत्मा, ऐसी जीव स्त्री परमात्मा नू हर जा मानन लग पैंदी है। सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी, ए है लक्षण, ए है निशानी, ए है परमात्मा नू मिलन दे लक्षण। मन तन अर्प ताज लाज लुकानी, वो अपना सब कुछ गुरु चरणा च रख देंदे ने, लोक लाज नू त्याग देंदे हन। रहाओ, ए रहाओ वालियां पंक्तियां जिवें भाई मंज ने लोक लाज छड के सेवा कीती, फिर साहिब ने गल नाल ला लिया ते बोल रसना तो निकले सतगुरु जी दे, मंज प्यारा गुरु को गुर मंज प्यारा, मंज गुरु का बोहे था जग लंघनहार। जे लोक लाज विच रह जांदे ते ऐनी वड्डी वड्याई थोड़ी मिलनी सी, अगो सरवण करिए। सखी सहेली को समझावे, सखी गुरमुख हिरदा अपनी सहेली जग्यासु हिरदे नू समझाउंदे हन। सोई कमावे जो प्रभ पावे, भाई ओही करना है जो गुरु नू चंगा लगदा, दूजा काम नहीं करना। दूजा काम केड़ा है, तुसी जड़े खड़े नू देख लवोगे, हत्थां विच ज्योतिषियां दियां उंगलां पाईयां होईयां, अंगूठियां पाईयां होईयां, कबरां ते मत्थे टेकदे फिरदे ने, भूतां प्रेतां दे रोट चाढ़दे फिरदे ने, गलां विच मोटे मोटे तावीज पाए ने, इंज लगदा ही नहीं बंदा जा रहा है, इंज लगदा जिवें कोई टल्ली वाला बैल जा रहा होवे, मोटे मोटे तावीज गलां च पाए। गुरु नू छड के ही हाल होवेगा, चलो बाकियां नू मुबारक, पर गुरु दा सिख ए कदी भी नहीं करदा। गुरु दा सिख सदा गुरु नाल जुड़िया रहिंदा है। सा सुहागन अंक समावे, ए समझांदे ने के ओ सुहागन जीव रूपी स्त्री ओही करदी है जो गुरु नू चंगा लगदा, जो गुरु नू नहीं चंगा लगदा ओ नहीं करदी। अमृत वेले जागना गुरु नू चंगा लगदा ओ जागदा है, अमृत धारी होना गुरु नू चंगा लगदा है, अमृत धारी होके रहत रखता है। ते ओ सुहागण सो सुहागण सा सुहागण अंक समावे, गुरु गोद विच लीन हो जांदी है। गर्भ गहेली महल ना पावे, जेड़ी जिसनू होमे ने पकड़िया होया है, एक गर्भ शब्द है बब्बे नाल, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले, ते जे भब्बे नाल होवे फिर माता दे उदर तो अर्थ रखदा है। इत्थे हंकार इहदे अर्थ हन, हंकार ने उन्हां नू गह लिया, पकड़ लिया, छड़दा नहीं पिया। फिर पछतावे जब रैण बिहावे, ऐसी जीवात्मा उदों पछताउंदी है जदों जिंदगी मुक जांदी है, ये जीवन दी रात मुक जांदी है, फिर पश्चाताप आउंदा है पर हुण की करिए, हुण ते जीवन ही हथों जांदा रहा। कर्महीन मन मुख दुख पावे, ऐसा जीवन शुभ कर्मा तो हीणा है, मन मुखताई नाल भरिया जीवन है, ते दुखां तो सिवाए होर कुछ नहीं होंदा। बिनो करी जे जाना दूर, बिनो शब्द है, बिनो दे उड़े ते अंक कन्ना है, बिंदा जड़ा उसका उचारण नहीं होता। जदों भी ये शब्द गुरु ग्रंथ साहब विच बिनो आवे तो इसका उचारण बिंदे रहत होता है, बिंदे सहत नहीं होता। बड़ा सोहना बचन गुरु अर्जन देव महाराज का,
बिनो करी मैं ता बेनती करा ता पुकार करा जे कदी उसनु दूर जाने आवे उते है ही नेड़े ते दूर क्यों जानना प्रभ अबिनासी रहिया पार पूर वो सारे जगत दा मालक कदे ना नाश होण वाला सब जगह भरपूर शब्द है कई इसनु भरपूर कहंदे हन दोवें जगह भब्बे दा उचारण करदे ने पर है भरपूर भरिया पूरा सब जगह पूरा है ते उस तो सखना एक कण भी नहीं है जन नानक गावे देख हादूर ये नानक पद औंकड़ अंत है इसका अर्थ है गोला नानक सेवक नानक सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज कहते ने फरमान करते ने हे निरंकार मैं तेरा सेवक तेनु हजूरी विच देख के हदूर का अर्थ है रूबरू सामने देख के तेरे गुण गा रहा हाँ तेनु मैं कदी दूर नहीं जानता क्योंकि दूर है ही नहीं पर हौली हौली ये अवस्था समझ आ जाती है जैसे रविदास जी महाराज कहते ने कह रविदास हाथ पै नेरे सहजे होए सो होई गुरु बाबा मेहर कर देवे ते साडे जीवन दा ढंग ए बन जावे लक्षण ए बन जावे जीवन दी निशानी इस तरह दी बन जाए सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी मन तन अरब तज लौज लाज लोकानी बारंबार सारयां दा हार्दिक तौर ते धन्नवाद है कल दी हाजरी होर दास नूं प्राप्त होई है भावें थोड़ा जिहा समां अगे पिछे लिखिया गया सी लिस्ट विच फिर मैं माननीय सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह जीआं दे चरणां च गुजारिश कीती मैं कहा भई 9-10 दी हाजरी दास कोलों नहीं भरी जा सकनी ते 8-9 दी कृपा कर देवो उन्हां एडजस्टमेंट करके कहा ठीक है तुसी 8-9 दी हाजरी भर लो दास बहुत धन्नवादी है निर्मल हिरदा सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह जीआं दा समूह प्रबंधकां दा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे मुख सेवादार जथेदार अवतार सिंह जी दा जो बहुत प्यार नाल हमेशा निवाजदे ने कोटान कोट शुकराना तन तन गुरु रामदास साहब जी जिन्हां दी बरकत सदका इस पावन अस्थान सचखंड अस्थान दी चरण तोड़ मस्तक ते लाउण दा सुभाग बनिया है भुल्लां चुक्कां दी खिमा जरूर निमाणे सेवकां दी झोली च पा देना आओ आखरी पंक्तियां रल के पढ़िए फिर अरदास विच शामिल होइए बिनो करी जे जाना दूर प्रगट नासी रहया भरपूर जन नानक गावै देख दूर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।